Elipse Academy, making your future brighter. Mithanpura, Muzaffarpur. Student, I am Mani Shankar sir, Elipse Academy, Muzaffarpur, Mathematics Faculty. तो स्टूडेंट पिछले पांच क्लास में हमने फंक्शन पढ़ा, टाइप ऑफ फंक्शन, कुछ डोमेन सीखा, आज हम रेंज सीखते हैं. उसके बाद स्टूडेंट आपके पास जो फंक्शन खत्म होगा उसके लास्ट में लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री, लेवल उसके बाद आईआईटी क्वेश्चन बैंक तक करवाएंगे. वो आईआईटी के अप टू एडवांस लेवल तक जाएंगे. बेसिक से लेकर के चल रहे हैं, फ्लोर बाई फ्लोर लेकर के चल रहे हैं. तो आज जो सीखेंगे बेटा हाउ टू फाइंड द रेंज, क्या जानेंगे बेटा, हाउ टू फाइंड द रेंज. यानी आज यहां से जो बेटा देखेंगे फंक्शन का हमारा पार्ट्स होगा वो रेंज, यानी किस तरह से फाइंड करना है बेटा. यानी पहला जो होगा लिखेंगे हाउ टू फाइंड द रेंज. मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बेटा ये वन वन मेनी वन ऑन टू इन टू फंक्शन जब पढ़ेंगे तो वहां पे भी काम आएगा. तो यहां से ध्यान देंगे बेटा हाउ टू फाइंड द रेंज. तो इसका पहला मेथड अगर लेते हैं बेटा, सबसे पहला मेथड, तो मेथड वन वो ऑब्जर्वेशन है. क्या देखते हैं बेटा, तो फर्स्ट मेथड जो है ऑब्जर्वेशन मेथड है, ये बेसिक के लिए है. तो इससे ऑब्जर्वेशन मेथड में अगर आपसे कोई पूछता है कि पहला एग्जांपल अगर लेता है आपके पास कि एफ एक्स इक्वल टू बेटा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर यानी ऑब्जर्वेशन मेथड यहां से देखते हो बेटा तो सिंपल क्या कर दोगे, ग्राफ बना दोगे. अब यहां से ग्राफ बना दिया बेटा और ये क्या हो गया जीरो टू यहां से ले लेते हो तो बेटा ए इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी का स्क्वायर इस तरह से कर सकते हो बेटा. सेम लाइक थिंग्स इधर भी बेटा अपने पास चलता है एक्स, तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन की बात किया जाए बेटा तो जीरो टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा. क्या हो जाएगा बेटा, जीरो टू इन्फिनिटी. यानी ऑब्जर्वेशन जब ये सिंपल फंक्शन रहेगा तब आप यूज कर सकते हो, डिफिकल्ट फंक्शन के लिए आप इसको नहीं बना सकते हो. तो मेथड वन में देख रहे हैं बेटा हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड, जो देखते ही पता चलेगा बेटा. यानी अपने पास अगर लेते हैं जस्ट लाइक यही कि एफ एक्स इक्वल टू मान लो बेटा ए एक्स क्यूब माइनस थ्री, तो इसको भी बेटा आप ग्राफ के थ्रू बना सकते हो कि जीरो तो ये इस तरह से दे रहा है बेटा अपने पास. यानी यहां से भी देखते हैं बेटा रेंज ऑफ दिस फंक्शन तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. इसी तरह से हमारा अगर देखते हैं बेटा सेकेंड एग्जाम्पल था, थर्ड एग्जाम्पल अगर देखते हैं बेटा कि एफ एक्स इक्वल टू ऑब्जर्वेशन मेथड में कि मान लो बेटा कि एक्स पे पावर फोर प्लस फोर, क्या देखते हैं बेटा एक्स पे पावर फोर प्लस फोर, तो इसका भी ग्राफ अगर लेते हो बेटा तो जितने भी इवेन फंक्शन है ग्राफ पाराबोलिक बनेगा. यानी इस तरह से बन रहा है बेटा, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या है जीरो कॉमा फोर. यानी यहाँ से बेटा रेंज ऑफ दिस फंक्शन अगर देखा जाए तो फोर टू इन्फिनिटी बन रहा है. नेक्स्ट में हम लोग आते हैं बेटा, नेक्स्ट मेथड जो अपने पास है वो है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड. ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, यानी इस मेथड में हम लोग लेके चलते हैं बेटा. सबसे पहला एग्जांपल अगर लेते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू थ्री साइन एक्स प्लस टू, कितना लेते हैं बेटा थ्री साइन एक्स प्लस टू. तो अब यहां से हम लिखते हैं बेटा कि आप जानते हो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में कि साइन एक्स बेटा माइनस वन टू वन लाई करता है. कहाँ करता है बेटा, माइनस वन टू वन लाई करता है. अब यहां से बेटा देखिए थ्री मल्टीप्लाई साइन में है तो तीनों तरफ करेंगे, माइनस वन इंटू थ्री लेस देन इक्वल टू थ्री साइन एक्स लेस देन इक्वल टू वन इंटू थ्री. अब यहां से क्या देखना है बेटा कि टू एड किया हुआ है तो इस फंक्शन में, तो माइनस थ्री प्लस टू लेस देन इक्वल टू थ्री साइन एक्स
प्लस टू लेस देन इक्वल टू थ्री प्लस टू, यानी बेटा इसका रेंज अगर देखते हैं तो माइनस वन लेस देन इक्वल टू थ्री साइन एक्स, प्लस टू लेस देन इक्वल टू फाइव, यानी रेंज ऑफ दिस फंक्शन अगर देखते हैं बेटा तो माइनस वन टू फाइव। तो ये अपने पास ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही सिंपल होता है बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या लॉगरिथमिक फंक्शन में आता है, तो आप ये ले सकते हो। एक बार फिर से इसको क्लियर कर लेना है बेटा कि आपका फंक्शन क्या है, तो थ्री साइन एक्स प्लस टू है। अब जानते हो बेटा कि साइन एक्स माइनस वन टू वन लाई करता है, कितना साइन एक्स का बोला बेटा तो थ्री एक्स साइन एक्स, तो तीनों तरफ तीन से मल्टीप्लाई कर दिए बेटा, उसके बाद टू ऐड किया बेटा तो तीनों तरफ टू ऐड कर दिए, तो यहां बेटा हो गया माइनस वन लेस देन इक्वल टू थ्री साइन एक्स प्लस टू लेस देन इक्वल टू फाइव, दैट मीन्स रेंज ऑफ दिस फंक्शन माइनस वन टू फाइव। ठीक है बेटा, अब इसी क्वेश्चन को हम अगर इस तरह से कर देते हैं बेटा कि ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में सेम क्वेश्चन है बेटा अपने पास, कि अपने पास अगर सेम क्वेश्चन ले लेते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू टू साइन एक्स प्लस थ्री, यहां से भी वही हाल देखना है बेटा कि आप क्या जानोगे, तो साइन एक्स लेस देन इक्वल टू वन लेस देन माइनस वन, टू से मल्टीप्लाई करना है माइनस वन लेस टू टू लेस देन इक्वल टू टू साइन एक्स लेस देन इक्वल टू टू। अब यहां बेटा तीनों तरफ हमारा ऐड कर देना है, तो माइनस टू प्लस थ्री लेस देन इक्वल टू टू साइन एक्स प्लस टू साइन एक्स प्लस, अपने पास बेटा क्या ले लेते हैं हम, तो थ्री, अब लेस देन इक्वल टू बेटा टू प्लस थ्री, यानी बेटा वन लेस देन इक्वल टू टू साइन एक्स प्लस थ्री लेस देन इक्वल टू फाइव, यानी रेंज ऑफ दिस फंक्शन अगर देखा जाए बेटा अपने पास तो वन टू फाइव। अब इसी क्वेश्चन में बेटा अपने पास देता है किसका इनवर्स कर दिया, क्या कर दिया बेटा, तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन टू साइन एक्स प्लस थ्री, तो अभी यहां से इसका लिखे बेटा इसी के डिपेंडेंट क्वेश्चन है, तो आप ऐसे कर सकते हो कि बेटा वन बाई फाइव लेस देन इक्वल टू वन अपॉन टू साइन एक्स प्लस थ्री लेस देन इक्वल टू वन, यानी रेंज ऑफ दिस फंक्शन की बात किया जाए बेटा अपने पास तो 1 बाई फाइव टू वन। तो ये अपने पास क्या है बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड पे है जो हम इसको ध्यान दे रहे हैं। अब इसी तरह से बेटा एक क्वेश्चन हम और लेके चलते हैं कि अगर बेटा अपने पास एक कंडीशन ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का, फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा, तो एफ एक्स इक्वल टू थ्री साइन एक्स प्लस फोर कॉस एक्स, यहां से बेटा ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं कि क्या ले लोगे आप, तो बेटा माइनस रूट ओवर थ्री स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू बेटा थ्री साइन एक्स प्लस फोर कॉस एक्स लेस देन इक्वल टू थ्री स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर फोर स्क्वायर, यानी थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर, यानी बेटा माइनस फाइव लेस देन इक्वल टू थ्री साइन एक्स प्लस फोर कॉस एक्स लेस देन इक्वल टू फाइव, यानी बेटा रेंज ऑफ दिस फंक्शन की बात किया जाए तो माइनस फाइव टू फाइव। यानी बेटा ये जो कंसेप्ट यहाँ पे है वो इलेवेंथ ट्रिग्नोमेट्री में क्लियर है कि जब बेटा ए साइन एक्स इंटू बी कॉस एक्स रहेगा तो माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ये ट्रांसफॉर्मेशन मेथड पे हम क्या कर रहे हैं निकाल रहे हैं। नेक्स्ट इसी तरह से अगर फिफ्थ में हम चलते हैं डा फिफ्थ क्वेश्चन की ओर, तो अपने पास बेटा मान लीजिए कि यही है क्वेश्चन थ्री साइन एक्स प्लस फोर कॉस एक्स प्लस एट ले लेते हैं,
कितना ले लिए 8। अब अगर यहां से हम देखते हैं बेटा तो कितना ले लेते हैं, सबसे पहले तो इसका हम निकाल लेते हैं कि सॉल्यूशन में कि सर माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स लेस देन इक्वल टू 5। फिर क्या कर रहा है बेटा, तीनों तरफ 8 ऐड कर दीजिए, लेस देन इक्वल टू 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स लेस देन इक्वल टू 13। यानी बेटा रेंज ऑफ दिस फंक्शन देखा जाए तो क्या हो जाएगा 3 to 13। यानी ये भी बेटा क्या था अपने पास, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड था। क्या था बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं बेटा अपने पास कि एफ एक्स इक्वल टू बेटा एक इस तरह से है, इसमें भी बेटा हम क्या कर देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड लगा देते हैं। तो इसको लिख सकते हैं बेटा कि रूट अंडर 6x माइनस रेंट 6 रेज टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर 3 रेज टू एक्स प्लस माइनस रूट अंडर 3 रेज टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। यानी बेटा रेंज ऑफ दिस फंक्शन की बात किया जाए तो 6 टू इन्फिनिटी। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन मेथड हमने देखा बेटा कि हाउ टू फाइंड द रेंज। इसके पहले जस्ट जो हम डिस्कशन किए थे बेटा कि एफ एक्स इक्वल टू 3 raised to x प्लस 3 raised to x, तुम इसका अगर ग्राफ बनाते हो बेटा तो पैराबोलिक ग्राफ बन जाएगा। यानी बेटा ये इधर जाएगा और ये इस तर जाएगा और यहाँ पे जो वैल्यू होगा बेटा 0.2 to infinity। यानी ग्राफ से अगर देखा जा रहा है बेटा, इसके पास एक टेम्प्रोरी लाइन यहाँ पे खींच दीजिए बेटा, इसका ग्राफ इधर और इसका इधर, दोनों को मिला दिया। अब बेटा इसका रेंज ऑफ फंक्शन बोला जाए तो 2 to infinity। क्या बोला जाएगा बेटा, 2 to infinity। अब नेक्स्ट में बेटा जो देखते हैं, नेक्स्ट थर्ड मेथड अपने पास है x इन टर्म्स ऑफ y। यानी बेटा x इन टर्म्स ऑफ y की अगर बात करते हैं तो सिंपल है बेटा अपने पास कि थर्ड मेथड में पहला क्वेश्चन अगर लेते हैं बेटा कि एफ एक्स इक्वल टू, चलो ले लेते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन बेटा 1/x। तो बेटा यहां से ले लिए कि y इक्वल टू 1/x। यानी बेटा x इक्वल टू 1/y, दैट मीन्स रेंज ऑफ दिस फंक्शन रियल नंबर एक्सेप्ट 0। यानी बेटा इसी तरह से अगर हम और देखते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन y इक्वल टू बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। यहां से बेटा दो मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं कि अपने पास बेटा y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। यानी बेटा ए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। दैट मीन्स बेटा d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वेयर x इज रियल। वेयर x क्या हो जाएगा बेटा, रियल ले लिया हम। तो अब यहां से देख लेना है बेटा कि अपने पास 16 माइनस यहां से क्या ले लिया था 4 into 6 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से देखते हैं बेटा कि अपने पास क्या हो रहा है, तो लेते हैं बेटा 16 माइनस 24 माइनस 4 वाई स्क्वायर
ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी यहाँ पे प्लस हो रहा है बेटा। तो माइनस क्या ले लेते हैं बेटा, माइनस एट प्लस फोर बाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसको इधर भेज देते हैं बेटा अपने पास। तो फोर बाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एट बाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू अपने पास कितना हो जाएगा बेटा, टू। यानी जब बाई निकालते हैं बेटा तो अपने पास बाई ग्रेटर देन इक्वल टू रूट टू, दैट मीन्स रेंज ऑफ फंक्शन, दिस फंक्शन बोलोगे बेटा तो रूट टू टू इन्फिनिटी। अब इस कंडीशन पे बोलोगे बेटा सिर्फ माइनस रूट टू से छोटा भी आएगा, तो बेटा माइनस रूट टू बाई कभी निगेटिव वैल्यू नहीं देगा, इसीलिए रेंज ऑफ दिस फंक्शन अगर बोला जाएगा बेटा रूट टू टू इन्फिनिटी। एक्स इन टर्म्स ऑफ बाई कहने का मतलब है बेटा कि आपका एक्स का वैल्यू बाई मान लेना है, और आपको डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रेंज हमेशा रियल होता है, तो यहां से डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिए बाई के फॉर्म में, बाई का जो वैल्यू आएगा बेटा वही अपने पास क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। एक इसका शॉर्टकट ट्रिक और हम बोल सकते हैं डा निकालने के लिए कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसा है तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी यहां से बेटा इसका रूट डी टू फोर, तो आप सिंपल इसका निकालोगे कि डी निकाल लीजिए, तो डी कितना हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा 16 माइनस 24, यानी बेटा डी कितना हो गया अपने पास माइनस, चलिए ठीक है बेटा इसको एक इन टर्म्स ऑफ वाई निकालते हैं। नेक्स्ट इसी तरह से बेटा देखते हैं कि कोई क्वेश्चन और आपको अगर मिलता है बेटा, इसका सेकेंड एग्जाम्पल वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस, बेटा यहां से हम ले लेते हैं जस्ट लाइक सिक्स, तो सेम बेटा वाई स्क्वायर, यानी क्या कर लोगे बेटा तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या देखते हैं बेटा स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड जब देखते हैं ना तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, यानी बेटा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, वेयर एक्स इज रियल। अब यहां से ले लेना है बेटा कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो 25 माइनस 4 इंटू 6 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स बेटा यहां से क्या हो जाएगा तो 5 माइनस 24 और प्लस 4 वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यहां से आएंगे बेटा तो 1 प्लस 4 वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो बेटा यहां से ले लेंगे 4 वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1, यानी बेटा यहां से अगर करते हैं हम तो ये 4 वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1, यानी वाई स्क्वायर बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 बाई 4, तो निगेटिव से बड़ा, यानी हमेशा ये क्या देता है बेटा तो जीरो से बड़ा। तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन अगर निकालते हो बेटा, तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन अगर निकालते हो तो बाई स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, यानी रेंज ऑफ दिस फंक्शन देखते बेटा तो जीरो टू इन्फिनिटी होता है, क्या देख लेंगे बेटा रेंज ऑफ दिस फंक्शन, क्यों, क्योंकि जो स्क्वायर होता है वो हमेशा जीरो से निगेटिव नंबर से बड़ा होता है, कितना बड़ा तो मिनिमम जीरो से बड़ा होता है, इसका रेंज क्या हो गया बेटा जीरो टू इन्फिनिटी, यानी जब भी अगर बाई स्क्वायर किसी भी निगेटिव नंबर से बड़ा दे रहा है बेटा तो देखना कि बाई कभी निगेटिव नहीं देगा, इसका मतलब यहां पे हो जाएगा बेटा जीरो टू इन्फिनिटी। एक इसी तरह से देखते हैं बेटा कि एफ एक्स इक्वल टू है टैन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां से ले लेते हैं बेटा हम कि लेट
y इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, यहाँ से ले लेते हैं डब y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x, ले लेते हैं डा कि वाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई इक्वल टू जीरो, वेयर d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ले लेते हैं डा अपने पास। तो जब d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ले लेंगे डा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 माइनस 4 इंटू वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, कितना हो गया बेटा 4 इंटू 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहां से देखते हैं बेटा अपने पास, तो 4 कॉमन ले लेंगे यानी 1 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसको बोल सकते हैं बेटा वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, यानी बेटा ये हो गया माइनस 1 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू 1, यानी रेंज ऑफ दिस फंक्शन अगर देखा जाए डा तो माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4, ठीक है डा। तो एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई का मतलब क्या है, वाई के फॉर्म में करना है और डिस्क्रिमिनेंट निकालना है डा, जो वाई के फॉर्म में आएगा एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करके एक्स का वैल्यू वाई के फॉर्म में आएगा, वाई का जो कंडीशन लाई करेगा, ध्यान दीजिए वहां के रखने के बाद भी पॉजिटिव जो दे, तो इसका रेंज क्या बेटा माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4। तो बेटा रेंज ए लेके चलते हैं एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, तो यहीं से अगर देखते हैं बेटा कि ये फर्स्ट फंक्शन अपने पास, चलो ये फर्स्ट बना दिए, ये सेकेंड है बेटा और ये थर्ड अपने पास है, जो एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई बेटा निकाल रहे हैं हम, तो वाई इक्वल टू बेटा क्या देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यानी यहां से देखते हुए डा तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 प्लस बेटा एक्स तो वाई प्लस 1, फिर बेटा प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से बेटा एक्स इज रियल, यानी बेटा डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्या ले लो बेटा वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको एक्सपांड कर देंगे बेटा तो देखिएगा माइनस 3 बाई स्क्वायर प्लस 10 बाई माइनस 3 देन इक्वल टू 0, ले लेते हैं बेटा इसको तो 3 बाई स्क्वायर माइनस 10 बाई प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0, बेटा एक्सपांड कर लेंगे तो 3 बाई स्क्वायर माइनस 9 बाई माइनस बाई, और बेटा यहां से अपने पास प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। यहां से देखते हैं बेटा अपने पास यानी 3 बाई कॉमन तो y माइनस 3 माइनस 1 कॉमन y माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0, नंबर लाइन बना लेंगे बेटा 1 बाई 3 और 3, ए पॉजिटिव बेटा ए निगेटिव, पॉजिटिव कंडीशन को कौन सेटिस्फाई करता है तो ए, यानी रेंज ऑफ दिस फंक्शन देखा जाए बेटा तो 1 बाई 3 टू 3, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज यहाँ पे होता है बेटा निकालने के लिए कि अपने पास रेंज कैसे निकालेंगे, जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई करके आप निकाल सकते हो, जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर रेशनल फंक्शन है तो आप x इन टर्म्स ऑफ y निकाल सकते हो, यानी रेंज ऑफ दिस फंक्शन हुआ बेटा 1 by 3 to 3। क्यों बेटा, क्योंकि इसमें क्या कर रहा है लेस देन 0 देखना है, तो इस कंडीशन के बीच में बेटा बाकी इसमें क्या है पड़ा है, ठीक है बेटा। अब यहां से इसी तरह से देखते बेटा अपने पास तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यानी बेटा y स्क्वायर माइनस इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, बेटा क्या लिख लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0, देखते बेटा तो 9, यहां से क्या x इज रियल और d ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
तो बेटा ये 9 - 4 - 2 - y² > 0। देखते हैं बेटा, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, 1 - (-)+ 4y² > 0। तो 4y > बेटा कितना हो जाएगा अपने पास, 4y² > -1। यानी बेटा रेंज इसका भी देखा जाएगा तो y² > -1/4, दैट मीन्स y² > 0 अल्सो। इसका मतलब बेटा रेंज ऑफ दिस फंक्शन अगर किया जाए तो 0 to ∞। ठीक है बेटा, क्यों 0 to ∞ किया बेटा, क्योंकि नेगेटिव नंबर से तो बड़ा होता ही है और बाई नेगेटिव नहीं देगा, यानी यहां से बेटा कितना हो जाएगा 0 to ∞। एक फंक्शन है बेटा अपने पास कि f(x)(2log(e)(2)sin(x)-cos(x)+(3√2y)√2। यानी यहां से हम देखते बेटा सबसे पहले तो sin(x)-cos(x) तो जानेंगे बेटा अपने पास -√2 to √2, दोनों तरफ कितना ऐड कर देंगे बेटा अपने पास तो 3√2, यानी -√2 to +3√2 < sin(x)-cos(x)√2 to 3√2। यहां से देखते बेटा अपने पास 2√2 < sin(x)-cos(x)+3√2, यानी यहां पे भी ऐड कर देंगे बेटा अपने पास 3√2, 3√2 < 4√2। क्या करा है बेटा, सारे में √2 से डिवाइड कर देना है, ये √2 से डिवाइड कर दिए बेटा, तो ऐसे अपने को कैंसिल हो गया बेटा और ऐसे कैंसिल हो गया, लॉग लगा देंगे बेटा। तो यहां से देखना है कि log(2:2) > बेटा क्या हो गया, log(2:2) sin(x)-cos(x)√2 / √2 > बेटा log(2√4). दैट मीन्स बेटा रेंज ऑफ दिस फंक्शन अगर देखा जाएगा बेटा तो यहां से क्या दे दिया, 1 to 2 आंसर। यानी अभी बेटा ट्रांसफॉर्मेशन मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट है और रेंज अगर कहीं निकल रहा है तो आपको कैलकुलस में भी हेल्प आ रहा है। तो हमने देखा बेटा कि रेंज निकालने के लिए 3 मेथड देखा। थैंक्स।